नमस्कार, मैं नीतू सिंह और अदेवर सरस्वती विद्या मंदिर नोएडा। विषय है हिंदी और यह है हिंदी में कोर और इलेक्टिव दोनों छात्रों के लिए है। इसमें मैं आज आपको पत्रकारिता के नए शब्द बताने जा रही हूँ और इसकी जो आवश्यकता है वह हमें जो मास कम्युनिकेशन की हमारी पुस्तक है अभिव्यक्ति और माध्यम उसके दौरान पड़ती है। यह पूरे पाठ से पूरी पुस्तक से एक तरह से नए शब्दों का निचोड़ है, तो उसमें से कुछ शब्दों को मैं आपके सामने आज बता रही हूँ। ये आपकी पाठ्य पुस्तक में 11th में भी पहले आपने पढ़ा हुआ है और बिल्कुल पीछे पृष्ठ पर दिया हुआ है, तो उसके बारे में आज एक बार मैं आपको फिर से समझा रही हूँ। जिसमें से पहला है अपडेटिंग। अपडेटिंग किसे कहते हैं? अक्सर हम इस शब्द का प्रयोग तो करते हैं लेकिन वास्तव में अपडेटिंग क्या है? तो अपडेटिंग की परिभाषा यह है कि विभिन्न वेबसाइटों पर उपलब्ध सामग्री को समय समय पर संशोधित और परिवर्तित करना ही अपडेटिंग कहलाता है। इसके उदाहरण बहुत सारे हैं, जैसे वर्तमान में आप देखेंगे कि बहुत सारी स्थितियां हैं इस समय देश में और बहुत सारी स्थितियां, नए नए नियम जो है वो लागू हो रहे हैं, चाहे वह किसी भी समस्या से संबंधित हो या किसी संविधान से संबंधित हो। जैसे अभी आपके सामने अगर मैं ये बताऊं कि निर्भया का जो केस था वह बहुत दिनों से 7 साल से लगभग कोर्ट में चल रहा था, लेकिन उसे जो है वह दिनांक 20 को अपडेट कर दिया गया कि उनके जो दोषी थे उनको क्या हुआ, फांसी की सजा दे दी गई। अब यह जो है वेबसाइट पे उपलब्ध जो सामग्री थी उसको अपडेट कर दिया गया और उसे केस चल रहा था के बजाय अब उसको केस जो है वो समाप्त हो गया, इसलिए उसमें अब संशोधन कर दिया गया, उसे परिवर्तित भी कर दिया गया। तो इस तरह से विभिन्न वेबसाइटों पे जब हम जाते हैं किसी भी समाचार के लिए तो वहां वेबसाइट का यह कार्य होता है कि वह हर एक खबर को अपडेट करे। तो इसकी परिभाषा यही थी और इसका उदाहरण आप वर्तमान में लेटेस्ट बिल्कुल इसको रख सकते हैं और इसके अनुसार आप समझ सकते हैं कि जो भी वेबसाइट पे सामग्री उपलब्ध है उसको समय समय पर संशोधित यानी परिवर्तन करना और परिवर्धित मतलब उसमें कुछ घटा बढ़ा है तो उसको जोड़ना करना ही अपडेटिंग कहलाता है। दूसरा है डेडलाइन। डेडलाइन का प्रयोग आजकल हम लोग दैनिक दिनचर्या में भी करने लगे हैं। अगर वास्तव में देखें तो डेडलाइन से तात्पर्य यह है कि किसी भी कार्य को करने की एक निश्चित समय सीमा रखी जाती है और अगर वह उस समय तक पूरा हो गया तो ठीक है, अन्यथा हम कहते हैं कि इसकी डेडलाइन थी और वो बीत चुकी। अब चूंकि परिभाषा इसकी क्या ये तो मैंने समझने के लिए आपको बता दिया। इसकी जो मुख्यतः परिभाषा है वह यह है कि किसी भी समाचार पत्र के लिए खबर को पहुंचाने की एक निश्चित समय सीमा होती है। यहाँ आप स्टूडेंट ध्यान दें कि खबर को पहुंचाने की एक निश्चित समय सीमा होती है और उस समय सीमा तक यदि उस खबर को वहां तक नहीं पहुंचाया गया तो उसके छपने की संभावना कम हो जाती है या नहीं हो जाती है। इसलिए कोई भी खबर अगर हमें प्रेस को पहुंचानी है तो उसकी एक समय सीमा होती है, हमें उस समय सीमा के अंतर्गत ही उस खबर को वहां तक पहुंचाना चाहिए, तभी वह अगले दिन समाचार में प्रसारित होगी और छपेगी, प्रकाशित होगी। दूसरा है, तीसरा है आपका बीट रिपोर्टिंग। बीट रिपोर्टिंग से तात्पर्य क्या है? पत्रकारिता के क्षेत्र में अक्सर हम कहते हैं कि ये हमारी बीट है या उसे यह बीट दे दी गई है। तो बीट रिपोर्टिंग से तात्पर्य यहाँ पर यह है कि संपादन के क्षेत्र में, पत्रकारिता के क्षेत्र में रुचि के अनुसार कार्य क्षेत्र का विभाजन करना ही बीट कहलाता है। यानी कि जो जितने भी समाचार पत्रों में आप पढ़ते हैं वह किसी एक व्यक्ति के द्वारा संकलित नहीं होता, बल्कि जिसका जिसमें इंटरेस्ट होता है, जिसकी रुचि होती है, वह अपने उन क्षेत्रों में जाकर के कार्य करता है और फिर वह डेस्क के माध्यम से वहां पर खबरों को संकलित करके उसे छपने योग्य फिर बनाया जाता है। तो इसका एक उदाहरण मैं वैसे भी दे सकती हूँ कि जैसे मान लीजिए किसी को खेल जगत में बहुत रुचि है, तो
तो वो जो भी समाचार एकत्रित करेगा वो खेल जगत से करेगा। किसी को अपराध में इंटरेस्ट है कि वहां क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्राइम के विषय में, साइबर क्राइम के विषय में, तो वह अपनी रुचि के अनुसार उस फील्ड में काम करेगा। किसी को फिल्म जगत में है, सिनेमा जगत में है, तो सिनेमा जगत में क्या हो रहा है वो उससे संबंधित खबरें एकत्रित करेगा। किसी को शिक्षा जगत में क्या हो रहा है उससे संबंधित खबरों में अगर रुचि है तो वो उससे संबंधित खबरें एकत्र करके संपादक तक ले आएगा, उसे ही बीट कहा जाता है। और दूसरे बात अगर हम आपको समझाएं, अपने एकेडमिक रूप से समझाएं, तो जो बच्चे साइंस लेना चाहते हैं एक तरह से, तो वो साइंस की बीट उन्होंने ले ली। जो कॉमर्स लेना चाहते हैं उन्होंने अपनी रुचि से लिया, उनको थोपा नहीं गया, रुचि के अनुसार उन्होंने कॉमर्स का चयन कर लिया, रुचि के अनुसार उन्होंने आर्ट्स ले लिया और उसके अनुसार उसमें वो अपना प्रस्तुतिकरण दे रहे हैं। तो ये जो बीट है यह जबरदस्ती थोपा गया नहीं होता है, यह उस व्यक्ति की रुचि के अनुसार दिया गया कार्य होता है और पत्रकारिता में वह उसी अपने क्षेत्र से कार्य करता है। जैसे मान लीजिए मैं हिंदी पढ़ा रही हूँ तो मेरी रुचि, मेरा जो बीट है वह हिंदी विषय है और मैं उसके अनुसार आपको यहाँ पर पढ़ा रही हूँ, तो ये होता है बीट। और बीट रिपोर्टिंग पत्रकारिता में यही होती है कि विभिन्न क्षेत्रों से वो जुड़ी होती है। उसके बाद आता है सीधा प्रसारण, जिसे अंग्रेजी में लाइव भी कहते हैं और इससे हम सभी परिचित हैं। सीधा प्रसारण से तात्पर्य यह है कि ऐसी खबरें जो बिना किसी काट छाट के सीधे प्रसारित होती हैं, जो लाइव दिखाई जाती हैं, उसे सीधा प्रसारण या अंग्रेजी में लाइव कहते हैं। जैसे क्रिकेट मैच है या कोई और चीज जो सीधे दिखाई जा रही है, उसमें कोई भी किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं किया जा रहा है, वह सीधा प्रसारण के अंतर्गत आता है। और आप टेलीविजन चैनल पे, समाचार चैनल पे आप सीधे ये देख सकते हैं, ऊपर कॉर्नर में लाइव या सीधा प्रसारण लिखा भी रहता है। उसके बाद में पत्रकारों के प्रकार, पत्रकार चूंकि तीन तरह के होते हैं, हम पत्रकार जब बोलते हैं तो हमें लगता है कि पत्रकार का मतलब एक ही पत्रकार है, लेकिन पत्रकार के भी तीन भाग होते हैं, तीन प्रकार के वो होते हैं। पहला होता है पूर्णकालिक पत्रकार। जो पूर्णकालिक पत्रकार होता है वह किसी प्रेस या संस्था से वह पूरे समय के लिए जुड़ा रहता है और उसे उसका एक निश्चित मानदेय यानी कि वेतन उसको दिया जाता है। उसकी सारी जवाबदेही जो है उस प्रेस के प्रति बनी रहती है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कौन सी खबर है, गलत है सही है, वो सारी जवाबदेही उस संस्था के प्रति उसकी बनती है। ऐसे पत्रकारों को पूर्णकालिक पत्रकार कहते हैं। सामान्य भाषा में समझें तो ये कह सकते हैं कि परमानेंट, वह पूरे समय सिर्फ अपने उस प्रेस के लिए ही काम करेगा, किसी और दूसरे के लिए नहीं। जैसे मान लीजिए दैनिक जागरण से संबंधित वह पत्रकार है तो वह दैनिक जागरण के लिए ही कार्य करेगा, अमर उजाला के लिए नहीं। ये इसे जो है वो पूर्णकालिक पत्रकार कहते हैं और यह पूरे समय उस संस्था से ही जुड़े रहते हैं। दूसरे हैं अंशकालिक पत्रकार। यह एक या एक से अधिक दो संस्थाओं से जुड़े हो सकते हैं कि जिसे आप पार्ट टाइम कहते हैं, कि आधा समय आपने कहीं और दिया और अपना कुछ समय आपने कहीं और दिया, और जितना समय इन्होंने यहां पर एक संस्था को दिया उतना उनको उतने घंटे का मानदेय दिया जाता है, उतने घंटे की उनको सैलरी वेतन उनको दे दिया जाता है। इनके ऊपर ये प्रतिबंध नहीं होता कि यह पूरी तरह से उस संस्था के प्रति जिम्मेदार हो, पूरी जवाबदेही उन्हीं की हो, ऐसा नहीं होता है। वह एक या एक से अधिक प्रेस से जुड़े हो सकते हैं। तीसरे वो पत्रकार होते हैं जिन्हें हम फ्रीलांसर या स्वतंत्र पत्रकार कहते हैं, जो किसी भी संस्था से नहीं जुड़े रहते, वह स्वतंत्र होते हैं और वो अपनी खबर, अपना समाचार किसी भी प्रेस, किसी भी संस्था को दे सकते हैं। और स्वतंत्र पत्रकार की श्रेणी में हर एक व्यक्ति आता है, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो कार्य करने वाले लोग हो, वो सभी उसके अंतर्गत आते हैं। और जब वह उसके लिए अपना समाचार
किसी भी संस्था किसी भी प्रेस को जब देते हैं तो उसके लिए भी उनका एक निश्चित मानदेय होता है, उसे उनको दे दिया जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि रविवार के जो समाचार पत्र आते हैं उसमें कुछ कहानियां आती हैं, उन कहानियों का वो जो लेखन करता है वह पूर्ण रूप से उससे जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन उसने अपनी खबर अपनी कहानी अपना स्तंभ लेखन कुछ भी उसने उस प्रेस को दिया और उसका वह अगर रिलीज हो गया छप गया तो उसके लिए उसका जितना मानदेय है वो उसको दे दिया जाएगा। अक्सर आप देखते हैं ब्रैकेट में लिखा रहता है 500 रुपए पुरस्कृत, तो वो एक कहानी उसने दी। और वह स्वतंत्र पत्रकार है, वह जरूरी नहीं कि वह टाइम्स ऑफ इंडिया में अपना आर्टिकल दे, या जरूरी नहीं है कि वह हिंदुस्तान टाइम्स में दे, जरूरी नहीं है कि वह सिर्फ अमर उजाला को दे, जरूरी नहीं है कि सिर्फ दैनिक जागरण को दे, वह किसी भी प्रेस को किसी भी संस्था को अपना लेख अपने विचार अपनी खबर अपना समाचार दे सकता है। और ये जितनी भी चीजें आपको मैंने यहाँ पर बताई हैं, यह है जो हमारे यहाँ हिंदी इलेक्टिव और कोर दोनों हैं, वो 11th के स्टूडेंट के लिए भी यह है और जो 12th है उन दोनों छात्र छात्राओं के लिए है, दोनों कक्षाओं के। तो ये आप यहाँ से इसको समझ गए होंगे आशा है। और बाकी पीछे पृष्ठ में दिया हुआ है अभिव्यक्ति और माध्यम की पुस्तक में, आप वहां से भी इसको देख सकते हैं। इसकी जो परिभाषा होती है उसमें हम कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकते, परिभाषा जैसे है वैसे ही हमें याद करनी है। समझाने के लिए मैंने बीच बीच में आपको उदाहरण दे दिए हैं, और उसके अलावा यदि समझ में ना आया हो तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और उसमें अपने जो चीजें हैं जो समझ में नहीं आई हैं उसके बारे में पूछ सकते हैं।